अभी पोषक पटेल भैया की शेयरिंग को स्टार्ट करते हैं। पोषक भैया नमस्ते। भैया वेटनरी फील्ड से हैं और प्रेसिडेंट हैं चैरिटेबल सोसाइटी ऑफ होलिस्टिक वेटनरी हेल्थ केरला में। भैया एज एमडी गोशील भी वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ। और भैया ने 8th बैच से ये मॉर्निंग सेशन शुरू किया है और जीवन विद्या से 2012 से जुड़े हुए हैं और सार सत्र भी भैया ने कानपुर संस्थान में 2 बार किया है। तो भैया आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग को शुरू कर सकते हैं। नमस्ते शर्मिला दीदी और सभी साथियों को। मेरा नाम, जैसे बताया दीदी ने, पोषक पटेल है। बेसिकली मैं भी एक बडनगर करके गांव है उत्तर गुजरात में, जहाँ से अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलोंग्स करते हैं, वहाँ का रहने वाला हूँ। हम 7 भाई बहन हैं। मेरे पापा भी एक फार्मिंग किया करते थे और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वो निवृत्त अधीक्षक इंजीनियर रहे। फिलहाल मैं अभी अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरी बीवी छाया, वो हाउस वाइफ है और आयुर्वेदिक पढ़ी हुई है। बच्ची मेरी एनवायरमेंट प्लानर है और बच्चा अभी संस्कृत में बैचलर उसने अभी कंप्लीट किया है। तो मेरी यात्रा पहले से, मेरे गुरुजी रहे शक्तिपाद दीक्षार्थी मधुसूदन दास जी महाराज, तो खोज मेरी बचपन से बनी रही। मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, तो मैं करीब 11 साल की उम्र से मैंने वो शक्तिपाद दीक्षा लिया, फिर डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल पाथ पे मैं चला, फिर भी वो सुकून सा नहीं था। तो जिस वेटरनरी फील्ड में आया तो IPS अफसर हसमुख पटेल करके है, उन्होंने जीवन विद्या का प्रस्ताव रखा, 2012 में किया। हालांकि लेकिन गहराई से मैं 19 के बाद फिर जुड़ पाया, जो सामाजिक परिस्थिति थी तो पूरा समय नहीं लगा पाया था। 19 के बाद बिल्कुल इस जीवन विद्या में लगा हुआ हूँ। साथ साथ लैंडमार्क फोरम करके एक संस्था है, इसमें भी मैं जुड़ा और अभी भी जुड़ा हूँ। इसकी वजह से मेरे को काफी परिमार्जन मिला और सुकून। बेसिक मेरा कंसेप्ट, जैसे दीदी ने बताया, मैंने प्रोग्राम में पाया कि मैं जानवर की ट्रीटमेंट के लिए नहीं बढ़ा हूँ। जानवर कैसे बीमार न हो और कैसे स्वच्छ दूध उत्पादन लोगों तक पहुंचाया जाए, वो लैंडमार्क करके प्रोग्राम में मेरे को दिखा और इसके बाद ये जीवन विद्या मिली, अस्तित्व से अस्तित्व वाला बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अभी ये जैसे पिछले सितंबर में पहली बार सार सत्र में मैं गया और 8वें बैच में मैं बीच से जुड़ा था। हालांकि पूरा मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि 3 सेशन हमारे सार सत्र के होते हैं, मंडे थर्सडे और इसी वजह से कुछ कुछ छूट जाता है। फिर भी ये अभ्यास, पहली बार मैंने जैसे गणेश भैया से सुना, स्वयं से स्वयं को देखना, और बिल्कुल 2-3 मिनट के लिए मैं शून्य हो गया, स्वयं से शरीर को देखना। तो फिलहाल अभी 3 दिन से मेरे को बुखार है, तो ये दोनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस मैंने इतना गजब से किया कि स्वयं से मेरी कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ, मेरे अंदर क्या भाव विचार चल रहे हैं उसको मैं रोकने का प्रयास करता हूँ। अच्छा लगता है तो बना रहे उसका प्रयास करता हूँ, फीवर आ जाए तो उसको रेजिस्ट करता हूँ, ये सब मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं चिपक नहीं जाता हूँ, इस बार पहली बार ऐसा हुआ। अदरवाइज फीवर में बहुत सेंसिटिव और रेस्टलेस बंदा हूँ, तो बिल्कुल आराम से कल ऑफिस भी गया, काम भी किया, रात को फिर फीवर आया, तो जो भी काढ़ा वगैरह लेना था वो ले लिया, होम्योपैथी मेडिसिन भी लिया। लेकिन मेरे भाविचार की स्थिति में मैं देख पाया, मैं मूल्यांकन कर पाया स्टेप 2 में, ये जो हो रहा है सहज है या असहज है, ये मेरे स्वभाव से अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो ये प्रैक्टिस हर क्षण, एज ए गवर्नमेंट अफसर हमें कई पॉलिटिशियंस और IAS अफसर के साथ डील करना होता है, तो मैं कई बार पहले बहुत आवेशित हो जाता था, चिल्लाता था, स्टाफ पे चिल्लाता था, इवन सेक्रेटरी में जाके भी चिल्लाता था। तो काफी हद तक इस अभ्यास के बाद काफी ठहराव सा और सुकून सा आ रहा है। तो तीसरा स्टेप मैं देख पा रहा हूँ, जो भाव विचार मेरे में चल रहा है इससे मैं आराम में हूँ या परेशान में हूँ, तो सुखी हूँ या दुखी हूँ देख पा रहा हूँ। ताव की वजह से, फीवर की वजह से, कुछ सोशल प्रोग्राम थे वो अटेंड करने थे तो नहीं कर पाया, तो फिर भी मैं बिल्कुल आनंद में था। इस बार बिल्कुल रिग्रेट नहीं रहा, भाई मैं फीवर हूं तो मैं नहीं जा पाया। तो पिछली बार भी मैंने शेयर किया था, मेरा तीसरा शेयरिंग है, ड्राइविंग में सबसे ज्यादा और खाना खाने वक्त में बैठता हूँ, ये 2 चीजों में मेरा सटीकता से अभ्यास में ध्यान जाता है। पहले खाता था तो मैं बेहोशी में खाता था,
मन किधर भटकता था, कई बार फोन में लगा रहता था, तो इसकी वजह से काफी डाइजेस्टिव वगैरह प्रॉब्लम होते थे मेरे। तो ये स्वयं को स्वयं के देखने की जो बात है, तो मेरी जरूरत अलग है, शरीर की अलग है। तो मेरे अंदर जो भाव विचार चल रहे, इसका निर्णय पहले मैं जवाबदारी किसी और को देता, अभी भी हो जाता है ट्रिगर पॉइंट। कई बार सेक्रेटरी में कोई फोन आता है तो मैं एक क्षण के लिए ट्रिगर हो जाता हूँ, लेकिन प्रेजेंट हो जाता हूँ कि जवाबदारी, बाकी परिस्थिति जो भी इंफॉर्मेशन दे रही है, कम्युनिकेशन दे रहा है, इसकी जवाबदारी 100% मेरी है। इसका जवाब मैं ही खुद अपने आप को देता हूँ। तो ये मैं समझ के आधार पर देता हूँ या मान्यता के आधार पर? तो मेरी मान्यता गहराई काफी, भाव विचार की स्थिति जो भी है, इसमें मैं अभी काफी गहरे संस्कार को देख पा रहा हूँ, और गहरे संस्कार है कई बार ट्रिगर के रूप में उबल उबल के बाहर आते हैं। अभी भी मैं खुद के साथ कई बार बहुत आवेशित हो जाता हूँ, कई बार मैं गलती करता हूँ, भूल जाता हूँ, मेरी बच्ची पे भी बाहर नहीं बोल पाता, अंदर चिल्लाता हूँ कई बार, भी इसको पता नहीं चलता ऐसा करना चाहिए, यंग जनरेशन ऐसा ही है, ऐसा बोलने जाता हूँ तो मेरा ध्यान स्वयं में चला जाता है, ये सहज नहीं है, ये सुखद नहीं है, तो मैं रुक जाता हूँ। पहले बार बोल जाता था, इतना परिमार्जन अभी भी अंदर हिलडुल रहा है, इस पे अभी मेरे को काम करना है। तो अभ्यास एक में ये काफी तक मेरा ध्यान जाने लगा है। अभ्यास दो की बात मैं करूं तो अभ्यास दो में अभी इतना गहराई से मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि भाई मैं जीवन हूँ और शरीर अलग अलग वास्तविकता है। तो वो इस जो फीवर का ये 3 दिन का मेरा प्रोसेस चला, इसमें मैं देख पाया, पहले दिन 99.2 था, फिर ठीक हो गया, सुबह नहा धो के फिर ऑफिस गया, मैं देख पा रहा था मैं मौज में था, शरीर में जो भी हो रहा है संक्रमण, शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति इम्यूनिटी जो भी काम कर रही है, मैं देख पा रहा हूँ मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। मैंने खाना नहीं खाया, काढ़ा पिया, गर्म पानी पिया, कुछ मेडिसिन लिया, खुद गाड़ी ड्राइव करके गया ऑफिस में, सब काम किया, ठीक हो गया। कल रात को फिर 101 तक फीवर गया, फिर भी मैं सो गया। रात को प्रिया दीदी को मैसेज डाला कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ, फिर भी मैं कर पाऊंगा, तो अंदर शरीर बोल रहा था भाई सो ले, तू नहीं उठ पाएगा। मैं मौज में था कि भाई मैं कर पाऊंगा, और अभी मैं रियलिटी में ठीक हूँ, अभी टेम्परेचर 98.4 ही है। तो ये अलग अलग वास्तविकता को मैं देख पा रहा हूँ, इस दोनों के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है, जो संकेत एक दूसरे के, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि जो संवेदना मैं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे और शरीर के बीच में जो दूरी है, और जो निरंतरता है आवश्यकता, और जो संवेदना मेरे शरीर पे जो प्रभाव देती है, उसकी संवेदनाओं को मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ। ये पहली बार मैंने जब सार में सुना तो मैं बिल्कुल हिल गया था भाई, काफी कुछ मिसकम्युनिकेशन करने वाला मैं बंदा था, अपने आप को अच्छा कम्युनिकेटर समझते हुए खुद में काफी कुछ गड़बड़ी किया था, बाहर भी काफी कुछ गड़बड़ी हो रही थी। तो ये जो संवेदना बाहर कुछ भी होता है, ये संवेदनाओं को मैं पढ़ता हूँ, और इतने गहराई वाले संस्कार और कंडीशनिंग लेते मैं घूमता हूँ। एक तो सबसे गहराई वाला था आई नो एवरीथिंग, मेरे को कोई समझा नहीं सकता, मैं सब जानता हूँ, और आदर्शवाद या जो भी मेरे घर में कल्चर था उसको जोड़ के मैं मेरी समझ के आधार पर संस्कार जो पड़े हुए थे, ज्यादातर प्रतिक्रिया ही करता था। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ प्रतिक्रिया काफी कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी देख पा रहा हूँ राग द्वेष दोनों, तो राग में भी मैं जुड़ चिपक जाता हूँ, अच्छा लगता है तो बना रहे, वो भी एक प्रतिक्रिया है, वो मैं देख पाया सार सत्र के दौरान। और ये एक्सरसाइज में गोपाल बाबू भैया और शर्मिला दीदी को शेयरिंग में सुनता हूँ, तो शेयरिंग से मेरे को बहुत अच्छा लर्निंग मिलता है, इसलिए ज्यादातर मैं जितना भी टाइम मिले ये सुन पा रहा हूँ। तो स्टेप 6 में मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और ये पूरी प्रक्रिया जो शरीर में किसी भी घटना होती है, सब मुझे फीवर आया तो मैं देख पाया अपने आप को क्यों फीवर आया। तो पिछले 6-7 दिन से मैं जो ट्रैवल कर रहा था, काम कर रहा था ऑफिस में, एक प्रोग्राम में गया, वहाँ बहुत फुल एसी में, ज्यादातर एकस्टम नहीं हूँ, तो उसका भी प्रभाव मैं देख पाया, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या खाया मैंने, वो सब मैं देख पाया, और फिर से मैंने अपने आप में निर्णय किया कि
भाई ये क्यों हुआ। तो मैंने देखा भाई यू योर बॉडी वांट रेस्ट। तो मैंने संडे पूरा आराम किया और पूरा 60-70 का मटेरियल लेके मैं बैठ गया, तो एकदम आराम सा हो गया। तो स्टेप 6 में मैं देख पाया कि शरीर का प्रभाव संवेदना है। मैंने पढ़ा तो इसमें संस्कार जो है मेडिसिनल में जानता हूँ मैं, ये हो सकता है डेंगू है या ये है ये है, उससे मैं प्रभावित नहीं हुआ। ये बॉडी में जो हो रहा है हो रहा है, इससे जो भी प्लस माइनस है, मैं डॉक्टर के साथ संपर्क में हूँ, मेरे जो फिजिशियन है इसके साथ, वो बोले पोषक भाई कोई चिंता की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ी तो हम टेस्ट करवा लेंगे, 3 दिन तक कुछ भी जरूरत, तो जरा भी वीकनेस नहीं है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ फिर भी भूख भी नहीं लग रही है। तो ये संवेदनाओं को प्रभावित में बगैर हुए अपने आप को मैं देख पा रहा हूँ, ये प्रक्रिया पूरी। और ये अभ्यास के दोनों अभ्यास मेरे को बहुत 3 दिन में काफी उपयोगी रहे, फीवर वाले जो स्टेज थे इसमें। तो ये मेरे हिसाब से मैं देख पाया दोनों अभ्यास को। और 60-70 में मेरी उपलब्धि जो रही पहले, और मेरी बीवी के साथ भी मैंने किया, और गुजरात से कई लोग हम साथ भी गए थे, लेकिन 60-70 में थियोरेटिक के रूप में मैं सुन पाया। ये जो अपना एक्सरसाइज है सुबह वाला 5:30 साढ़े 6 वाला, इसमें लोगों के जो शेयरिंग होते हैं, इससे मैं कनेक्ट कर पाया। मेरी लाइफ में मेरे संबंध है मेरे पापा के साथ, अभी मेरे पापा की भी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, वो 86 है, गांव में अकेले रहते हैं, खाना पीना खुद पकाते हैं, हेल्दी है वैसे तो, लेकिन वो टेस्ट दिवाली की वो गुजराती लोग खाने में बहुत आस्वादन में काफी चिपकते रहते हैं, तो इसकी वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहा। तो वहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, दरअसल मैं पापा के सामने गर्म हो जाता हूँ, आपको इस उम्र हुई पता नहीं चलता क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मैं बिल्कुल गांव में गया, अभी उनको लेके आया, सब टेस्ट वेस्ट करवाए, बिल्कुल नॉर्मल है। अभी मेरा भांजा वो डॉक्टर है तो उनके घर पे है, बिल्कुल सुकून, मेरे अंदर विरोध का भाव बिल्कुल नहीं आया इस बार। और अभी कल या परसों मेरे घर आ जाएंगे तो उनके साथ भी मैं बिल्कुल इस मैदान के साथ बात कर पाऊंगा, ये उपलब्धि मेरे लिए ये 17 की है। तो ये दो सेशन अभ्यास एक और अभ्यास दो में मेरा ऑब्जर्वेशन ये था। दीदी और स्लाइड दिखाइए क्या शेयर करना है। हाँ तो अभी कितने स्टेप साफ साफ देख पा रहे हैं, जैसे दीदी ने पिछली बार भी फीडबैक दिया था कि अभी काफी गहराई में अभ्यास करने की जरूरत है मेरे को, मैं कर पा रहा हूँ फिर भी अभी भी इतनी क्लेरिटी, मैं बहुत रेस्टलेस बंदा हूँ, वो भी एक मेरा कंडीशनिंग है, वो बार बार उबर के आता है। तो जिस गहराई से देख पाना है अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, सूख स्वभाव है या प्रभाव है, तो सहज में रहना वही स्वभाव है, दूसरों से प्रभावित होना सुख नहीं है, निरंतर उसकी स्पष्टता नॉलेज के रूप में बनी है, जीने में अभी कुछ कुछ पॉइंट्स पे आ रही है ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। तो हमारा कितना कार्यक्रम अभी भी अनुकूल प्रभाव के जुटाने में है, तो इसमें तो मेरे को काफी मुक्ति मिल गई है। पिछले 4-5 19 के बाद मैंने जीवन विद्या जो डिटेल में पढ़ना शुरू किया, तो मैं बहुत चूजी टाइप का बंदा था, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसा ही खाना चाहिए, मैं ज्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, ऑयली नहीं चाहिए, तो संवेदनाओं काफी ड्राइव करती थी। बाहर के लोगों का एप्रिसिएशन चाहिए, मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ तो लोग ऐसा मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, इससे अनुकूल प्रभाव वाली संवेदना जुटाने के लिए जो कार्यक्रम था इसमें से काफी कुछ मुक्ति मेरे को मिल गई ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। सरलता सहजता काफी आ रही है, 5 साल में काफी समय मैंने जीवन विद्या के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज गुजरात में किए, उसमें लगाया इस पूरे साल में 60 दिन तो मैं कानपुर गया, तो ऐसा पहले मैंने कभी नहीं किया, छुटक छुटक करता था गुजरात में, एक आध दिन संडे होके चला आया, लेकिन पूरा कार्यक्रम संवेदना की जगह समझण की रोशनी के लिए मैं जुटाने के लिए कार्यक्रम अभी बना रहा हूँ। तो अभी भी कितना कार्यक्रम जो चैतन्य के अर्थ में है, तो पूरा दिन 2 घंटा सुबह ये सुनता हूँ, ऑफिस जाते आते 45-45 मिनट 60-70 के वीडियो या जीवन विद्या का जो बुक्स का पठन है ये जो देखता हूँ, और 1 आध घंटा और भी पठन कर लेता हूँ। तो ज्यादातर चैतन्य के विकास में मेरा परिमार्जन हो इसमें समय काफी लगता है। गवर्नमेंट में भी जो जो मीटिंग में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, वहाँ ये समझण वाला
ये मेरे को पहली बार टच कर गया था 18 मई 2010 लैंडमार्क के प्रोग्राम। तो मैं डॉक्टर पोषक करके अपने आप को एक ईगोस्टिक मानता था, तब पता चला कि मेरा कार्यक्रम 15 20 50 एनिमल की ट्रीटमेंट ओपीडी चलाना नहीं है, सेविंग टू द प्रोड्यूसर एंड सेफ्टी टू द कंज्यूमर। और जीवन विद्या के बाद उसको और गहराई मिली, तो समझन की रोशनी में हम क्या कर पाए इसके लिए काफी कुछ समय में जहां जहां भी गवर्नमेंट में जाता हूँ, अफसर से मिलता हूँ, तो इस पे सार्थक संवाद होता रहता है। तो मेरा कमिटमेंट है, समझ तो मैंने बोला इतना समय मैं लगा रहा हूँ पूरा। मैं और मेरे दोस्त जीतू भैया है, उन्होंने गवर्नमेंट से VRS लेके 3 एकड़ जमीन में 3 4 गौ माता के साथ एक छोटा सा केंद्र हम गांधीनगर के पास बनाया है। हफ्ते में एक आध दिन मैं भी वहां जाता हूँ, श्रम करता हूँ, और जो लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहे उनके लिए वातावरण बना रहे। तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ कानपुर 4 सेशन में आई, और परिवार का भी अच्छा साथ है। हालांकि मेरे भाई बहन अभी इतना नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं अपने आप में परिमार्जन देख रहा हूँ, तो मेरे में परिमार्जन देखेंगे तो वो लोग भी इसमें जुड़ेंगे। तो बस इतना मेरा शेयरिंग था दीदी, सभी के प्रति कृतज्ञता। ए नागराज जी जिन्होंने ये संशोधन किया, गणेश भैया और सभी टीम, शर्मिला दीदी और सभी टीम के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक भैया। आपने बहुत ही सहजता के साथ और समय की भी सीमा को देखते हुए आपने अपनी शेयरिंग को बहुत ही अच्छे से रखा। अभी शर्मिला दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी दीदी भैया की शेयरिंग के बारे में अपना फीडबैक रखें। जी नमस्ते पोषक जी। नमस्ते दीदी। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आप पहले भी ध्यान गया था कि आप बहुत अच्छे से अपने अंदर काम कर रहे हैं, और अभी भी आपकी शेयरिंग से ध्यान गया कि आप अपने अंदर और बारीकी से चीजों को देखने का प्रयास कर रहे हैं। और इससे जो आपने मेंशन किया, आराम भी, आप आराम की स्थिति भी देख पा रहे हैं अपने अंदर। तो सही मायने में जी सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये देखने के लिए कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम आराम में आ जाते हैं, लेकिन जब भी हमारा ऑब्जर्वेशन छूट जाता है, वो जो स्टेप 1 है एक्सरसाइज 1 का, हम उस पॉइंट से गिर जाते हैं, वापस अपनी कल्पनाशीलता में घूमने लगते हैं, तब तब हम वो आराम की स्थिति से वंचित हो जाते हैं। फिर हम रिएक्शन मोड में आ जाते हैं, फिर या तो चीजों की तरफ अपना चिपकाव होता है या उससे एक अवर्शन, उसको हटाने का प्रयास, और वो सब रिएक्शन है। उस बात को भी आपने बहुत अच्छे से दर्शाया। आप जब कह रहे थे कि जब आपको बुखार हुआ, सही मायने में जब शरीर में कुछ प्रॉब्लम होता है, तब हमारा ध्यान और अच्छे से इस पर जा सकता है कि मैं और शरीर के बीच में कुछ दूरी है, शरीर एक अलग इकाई है, मैं एक अलग इकाई हूँ। उस बात को भी आपने बहुत अच्छे से बताया, और आगे भी आपका प्रयास जारी रहेगा ऐसा हम मान के चल रहे हैं, और आपकी जितनी भी भागीदारी हो सके आप करें। और मुझे लगता है कि परिवार में भी एक अनुकूलता बनती जाएगी तो परिवार भी जुड़ सकता है। आपने बोला आपकी वाइफ आयुर्वेद पढ़ी है, वो अभी कुछ प्रैक्टिस करती हैं या? नहीं दीदी, हाउस वाइफ है, लेकिन पहले से हम दोनों ने निर्णय किया था, हम ट्राइबल में 14 साल रहे हैं, तो बहुत मैं बढ़िया, आर्थिक उपार्जन करूंगा और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस पूरा नहीं करते, लेकिन हाउस वाइफ है बेसिकली। ये जो हेल्थ का काम हो रहा है उसमें भी जुड़ सकते हैं हाँ दीदी, हम आप? होलिस्टिक हेल्थ बुक दोनों पढ़ रहे हैं, वो होलिस्टिक हेल्थ वाला जी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और हम पूरा समय मैं ज्यादातर उसमें लगाने वाले हैं होलिस्टिक। हाँ, बढ़िया रहेगा। हम लोग हेल्थ का भी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट वीकली एक मीटिंग रखें इंग्लिश और हिंदी में,
जैसे कि अभी मॉर्निंग सेशन डेली बेसिस पे होता है, हेल्थ की एक मीटिंग रखें, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, उसके लिए कौन सा सही उपयोगी टाइम रहेगा वो सबके सबसे डिस्कस करके आप सबकी राय लेके कोई तय करेंगे, ताकि अगले आने वाले साल में हम लोग वो मीटिंग की शुरुआत कर पाएं और सब लोग उससे जुड़ पाएं जिनका भी उस तरफ ध्यान जा रहा हो और इच्छा हो। तो मैं कहूँगी कि आप लोग जुड़े रहें और जितना भी हो सके, आपका ये दायरा ही वही है, हेल्थ का है। आप हैं, हसमुख जी हैं, बहुत से हैं लोग जो इस काम में बहुत अच्छे से भागीदारी भी कर सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो आपको आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। जी दीदी नमस्ते। मेरा 2 साल बचा है, इसके बाद पूरा समय इसको ही लगाना है दीदी। और मैं बताना भूल गया कि 60-70 के बाद 14 महीने में पहली बार मेरे को बुखार बुखार हुआ। बाकी इतना आराम में हूँ तो अदरवाइज हर 2-3 महीने में छोटा सा, ज्यादा मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन वो फीवर या कफ वाला स्लॉट आ जाता था। पहली बार आराम की स्थिति में नहीं आया, तो पूरा जीवन होलिस्टिक हेल्थ पे और जीवन विद्या पे लगाना है। बढ़िया है, बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और धन्यवाद दोनों ही भैया को आपकी शेयरिंग के लिए।